गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला ग्राउंड में किस तरह का जनसैलाब आप बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं। आखिर यहां पे जो जनसैलाब शुरू हुआ है वो आज बहन कुमारी मायावती के आगमन को लेकर हुआ है। बहन कुमारी मायावती ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया कि आज ऐसी शक्ति जो उन लोगों को देखने को मिलेगी जो प्रत्याशी और ये सोच रहे थे कि शायद हमारी सुप्रीमो आई नहीं है, आप पीछे देख सकते हैं किस तरह का जो स्टेज है बड़ा स्टेज वो वहां पर है जहां से बहन कुमारी मायावती जी संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो। लेकिन जिस स्टेज पर प्राइम एटी न्यूज़ की टीम है यहां पर सभी प्रत्याशी हैं और ये प्रत्याशी आज बहन कुमारी मायावती के संबोधन को सुनेंगे और उनके ही आदेश के अनुसार अपने कार्य को आगे की गति देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं विधानसभा मुरादनगर से हाजी अयूब इदरीसी। हाजी अयूब इदरीसी साहब, अभी हमने वहां जनता से बातचीत की है, आपके समर्थन में काफी लोग आए हुए हैं वो भी हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि क्या माहौल है अभी आपके विधानसभा को लेकर? देखिए आज ऐसा उत्साह का दिन है, ऐसा लग रहा है कि कोई नया सवेरा निकला है, मतलब लोगों के अंदर ऐसा उत्साह जाग रहा है कि कोई नया त्यौहार है आज। और जैसे हमारे यहाँ ईद होती है और दूसरे समुदाय में दिवाली होती है, होली होती है, तो ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है और मुझे ये लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब जीत निश्चित है। हमारी जीत हो सकता है कि दोपहर तक ही हमारी जीत निश्चित हो जाए। आज आज बहन कुमारी मायावती जी भी आ रही हैं प्रत्याशियों को एक टारगेट देने, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या रहेगा, क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी आज क्या संबोधन में कर सकती हैं? आज बहन जी जो हैं सबको संबोधित करेंगी, अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, और उनके जो योजनाएँ हैं जो योजनाएँ लेके आएंगी उनको बताएंगी, अपना मैनिफेस्टो सबके सामने बताएंगी और सभी के विकास की बात करेंगी, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात होगी आज। आपकी विधानसभा के तमाम लोग मैंने आगे देखे हैं, वहाँ आपके नाम के नारे भी लग रहे हैं जिसमें तमाम लोग आपके साथ दिख रहे हैं, क्या लगता है कितना जन समूह आपके साथ इस प्रोग्राम में आया है? देखिए इतना बढ़िया उत्साह, मैं तो बेचारों को उनको जानता नहीं, लेकिन मेरी क्षेत्र के रहने वाले हैं इसलिए मैं उनका आभारी हूं और आगे उनका सेवक बन के रहूँगा, जो मुझे दूर से जानने के बाद भी मेरे लिए इतना उत्साहित हैं, मेरे लिए नारे भी लगा रहे हैं, वो मेरा नाम ले लेके जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो मैं उनका सभी आभारी रहूँगा और सेवक बन के काम करूँगा, ये दिखा दूँगा कि मैं आपका बच्चा के बराबर, जैसे एक बच्चा बाप की बात मानता है ऐसे मैं आपकी बात मानूंगा और आपके क्षेत्र के अंदर विकास करूँगा, काम करूँगा, रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा। तो अभी तो देखने वाली बात ये होगी कि अभी जो बसपा सुप्रीमो है वो आएंगी, वो क्या संबोधित करती है, क्या बात चर्चित रखती है, लेकिन मुरादनगर विधानसभा से जो अपने प्रत्याशी हैं उनकी बातचीत हमने आपको बता दी है कि वो क्या टारगेट लेकर आगे चलेंगे।